नमस्कार, आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ न्यूज। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज अपना दल एस के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल को सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में अपना दल के कार्यकर्ता जुटे थे। हर विधानसभा क्षेत्र से 5 प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन में शामिल होना था। अनुप्रिया पटेल ने अपना दल एस के राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत पार्टी संस्थापक सोनीलाल पटेल व लौह पुरुष सरदार पटेल की तस्वीर को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए की। अनुप्रिया पटेल के पति और एमएलसी आशीष पटेल, सांसद पकौड़ी लाल कोल समेत पार्टी के विधायक हरिराम चेरो, राहुल प्रकाश, लीना तिवारी और तमाम वरिष्ठ नेता इस सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में अनुप्रिया पटेल को सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। सांसद पकौड़ी लाल कोल और विधायकों समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने अनुप्रिया पटेल के नाम का समर्थन किया। इसके अलावा पार्टी की नई राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर जिलाध्यक्षों के नाम की भी घोषणा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर अनुप्रिया पटेल ने सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को धन्यवाद कहा व पार्टी को और भी मजबूत करने की अपील की। राष्ट्रीय सम्मेलन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, सभी को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरे चयन पर मुहर लगाकर उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ा दायित्व मेरे कंधों पर डाला है और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि अपने कार्यकर्ताओं की, अपने समर्थकों की अपेक्षाओं पर खरी उतरूं। अध्यक्ष बनने के बाद अनुप्रिया पटेल के सामने काफी चुनौतियां भी होंगी। प्रदेश में 13 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं और अपना दल एस प्रतापगढ़ सीट पर अपना हक जता रहा है। पिछले हफ्ते ही पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद शर्मा ने कहा था कि प्रतापगढ़ विधानसभा की सीट गठबंधन धर्म के हिसाब से हमारी है। इस सीट पर हम 2017 में गठबंधन के तहत चुनाव लड़े और जीते थे। ये सीट पार्टी के नेता और विधायक रहे संगम लाल गुप्ता के भाजपा के टिकट पर सांसद चुने जाने से खाली हुई है। भाजपा ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि ये सीट वो अपना दल एस को देने जा रही है नहीं। इसके अलावा केंद्र और यूपी में एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद सत्ता में पार्टी से किसी की भागीदारी नहीं है। देखना होगा कि अध्यक्ष बनने के बाद अनुप्रिया पटेल अपनी मांगे और चुनौतियों को कितना पूरा कर पाती है, कितना भाजपा से मनवा पाती है। फिलहाल इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की खबरें आपको लगातार मिलती रह सके।